नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मणिपाल सिग्ना के प्रो हेल्थ प्रेफर्ड प्लान के बारे में। दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये जो प्लान है 5 वेरिएंट के अंदर आता है। पहला प्रोटेक्ट प्लान, दूसरा प्लस प्लान, तीसरा प्रेफर्ड, चौथा प्रीमियर और पाँचवा एक्यूमलेट। तो दोस्तों पहले हम ऑलरेडी 2 प्लान्स का कवरअप कर चुके हैं जो कि है प्रोटेक्ट प्लान और प्लस प्लान। तो दोस्तों अगर आपको उन प्लान्स की भी वीडियो देखनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा ताकि आप जो है उन दोनों प्लान के रिव्यू देख पाएं। इस वाली वीडियो के अंदर हम प्रेफर्ड प्लान को जो है कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रो हेल्थ का प्रेफर्ड प्लान। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम जान लेते हैं इनके सम इंश्योर्ड में क्या क्या अवेलेबल है। दोस्तों ये प्लान जो है 3 वेरियंट में आता है, 15 लाख, 30 लाख और 50 लाख के सम इंश्योर्ड में। यानी यहाँ पे आप 5 लाख 10 लाख रुपए नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये जो है थोड़ा सा हाई ग्रेडेड प्लान है, इसके अंदर फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसलिए इस प्लान को जो है 15 लाख, 30 लाख और 50 लाख की कैटेगरी में ही रखा गया है। दोस्तों यहाँ प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे 60 डेज और 180 डेज के हैं। मतलब जब आप अस्पताल में एडमिट नहीं हुए थे, आपने डॉक्टर को दिखाया था, कुछ मेडिकल चेकअप्स कराए थे, कुछ टेस्ट कराए थे, उन सभी के पैसे जो है आप 60 डेज पहले तक के वाले ले सकते हैं। तो इसी तरीका से जब आप अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वापस आ गए हैं और 180 दिन तक के जो है खर्चे आप इस पॉलिसी के अंदर क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों रूम रेंट लिमिट की बात करें तो यहाँ पे किसी भी कैटेगरी का आप रूम ले सकते हैं, चाहे स्वीट हो, स्वीट से हायर कैटेगरी हो, आप किसी भी कैटेगरी का यहाँ पे रूम रेंट ले सकते हैं। दोस्तों डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 546 ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसके लिए जो है आप डे केयर में एडमिशन लेके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। दोस्तों डे केयर की कंडीशन यही होती है कि आपने वहाँ पे एडमिशन करवाया है और डिस्चार्ज भी बनवाया है। ये ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पे 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन की आपको ज़रूरत नहीं होती है। आप सुबह गए हैं, आप दोपहर को आ गए हैं, आप शाम को आ गए हैं और ये दोस्तों जो है अप टू द सम इंश्योर तक आप इसमें आप अपने पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। कम्युनिटिव बोनस की बात करें दोस्तों तो इसको हम यहाँ पे नो क्लेम बोनस भी बोलते हैं कि मान लीजिए आपने पिछली पॉलिसी के अंदर क्लेम नहीं किया था तो आपको यहाँ पे जो है 10% गारंटीड जो है सम इंश्योर्ड मिल जाता है और ये मैक्सिमम 200% तक जाता है। दोस्तों इसको आप 25% तक भी बढ़ा सकते हैं। वो आगे आप जब इस प्लान को पूरा देखेंगे मैं आपको आने वाले ऑप्शन में बताऊँगा कि वो कैसे तरीके से आप कर सकते हैं। रिस्टोरेशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर वो अनलिमिटेड टाइम अवेलेबल है। मतलब अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे 15 लाख की पॉलिसी ली थी और यहाँ पर वो जो है किसी तरीके से ख़त्म हो जाती है तो आपको यहाँ पे कंपनी दोबारा उसको जो है 15 लाख को रिस्टोर कर देगी। इसी तरीके से दोस्तों वो भी ख़त्म हो जाते हैं तो आपको फिर यहाँ पे 15 लाख रुपये मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सेम पर्सन के लिए सेम इलनेस जो है एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों, बाकी आप अनरिलेटेड इलनेस के लिए यहाँ पे बार बार क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करें दोस्तों तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें आपको अंडर सेक्शन 80D के लिए आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की। तो दोस्तों जो डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन होती है वो क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि मरीज इस कंडीशन में नहीं है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा सके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई सिनेरियो कि आपके नियर बाय जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपने घर पे ही वो ऐसे सारे ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं उस मरीज को कि वहाँ पे नर्सिंग भी अवेलेबल है, वहाँ पर डॉक्टर भी विजिट कर रहे हैं और ऐसे जो है ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन 3 दिन से ज़्यादा की होनी चाहिए तो उसको जो है हम डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डोमिसिलरी जो ट्रीटमेंट है उसका भी यहाँ पे पूरा जो है सम इंश्योर तक आपको कवर दिया जाएगा और ये रिम्बर्समेंट के बेसिस पे होता है, ये कैशलेस नहीं हो पाता है दोस्तों, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंट्री एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 18 साल से लेके कोई भी जो है यहाँ पे मैक्सिमम एज एंट्री नहीं है। कोई भी 70 साल का, 75 साल का, 80 साल के कोई भी यहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति होंगे वो इस प्लान को ले सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को BP, शुगर, थायराइड या कोई ऐसी छोटी मोटी बीमारियाँ हैं तो वो भी आप ले सकते हैं वो प्लान, बशर्ते कि वहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप होगा। न्यूबॉर्न की बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके परिवार में किसी नए बच्चे ने जन्म लिया है या आपके परिवार में और भी बच्चे हैं आप उनको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो नए बच्चे ने जन्म लिया है उनको 91 डेज के बाद यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और जो पहले से बच्चे हैं आपके पास और उनको यहाँ पे आप जो है 23 ईयर्स तक की एज तक आप उनको इस पॉलिसी के अंदर कवर करवा सकते हैं।
पॉलिसी ड्यूरेशन डिस्काउंट की बात करूं दोस्तों, अगर आप यहां पे 2 साल की पॉलिसी लेते हैं तो कंपनी आपको यहां पे 7.5% का डिस्काउंट, और अगर आप 3 साल का ये प्लान लेंगे तो कंपनी आपको यहां पे एडिशनल 10% का डिस्काउंट देगी। दोस्तों बात करें हेल्थ चेकअप की, तो वो यहां पे भी अवेलेबल है, और आप जो है फ्री हेल्थ चेकअप जो लेना चाहते हैं वो वंस इन एवरी ईयर, मतलब साल में एक बार ही मिलेंगे, और ये पहले साल नहीं मिलेंगे, पहले साल के बाद जो है यहां पे आपको मिल जाएंगे। यहां पे कुछ लिस्टेड टेस्ट हैं तो वो आप जो है यहां पे उसका बेनिफिट ले सकते हैं। एम्बुलेंस कवर की बात करें दोस्तों, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे एज एक्चुअल मिलता है, मतलब ये नहीं है कि 1,000, 2,000, 5,000, ऐसा यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। जो भी आपके एम्बुलेंस के एक्चुअल खर्चे होंगे वो यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन पे आपको दिए जाएंगे। दोस्तों वर्ल्ड वाइड एमरजेंसी कवर की बात करते हैं, अगर किसी एमरजेंसी केस के अंदर आपको जो है बाहर जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए, तो दोस्तों वो भी यहाँ पे अवेलेबल है वंस इन ए पॉलिसी ईयर, मतलब साल में एक बार आप इस तरीके का इलाज विदेश में जाके भी ले सकते हैं दोस्तों, और ये जो पैसे होंगे आपको रिम्बर्समेंट बेसिस पे दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं ऑर्गन डोनर कवर की। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है कि किसी को किडनी की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी को लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है, तो दोस्तों ऐसे में जिनसे ये डोनेशन ली गई है ऑर्गन की, तो उनके भी यहाँ पे खर्चे कवर किए जाते हैं, तो वो भी दोस्तों जो है यहाँ पे सम इंश्योर तक अवेलेबल है। आयुष ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, अगर आपको कभी इलाज के दौरान हॉस्पिटलाइजेशन में आपको आयुष ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वो भी यहाँ पे कवर होगा, जैसे कि आपका आयुर्वेदिक हो गया, यूनानी हो गया, होम्योपैथी हो गया, सिद्धा ट्रीटमेंट हो गया, तो दोस्तों वो भी यहाँ पे जो है सम इंश्योर तक कवर्ड है। हेल्थ मेंटेनेंस बेनिफिट की बात करें दोस्तों, जिसको हम एक आम भाषा में ओपीडी कवर बोलते हैं दोस्तों, वो भी यहाँ पे 15,000 रुपये तक कवर है, यानी आप कभी अस्पताल में भर्ती नहीं हुए थे लेकिन आपने जो है डॉक्टर को दिखाया था, अपने हेल्थ चेकअप्स कराए थे या आपने कुछ दवाइयाँ खरीदी थी, तो आप यहाँ पे जो है साल में 15,000 रुपये तक इस पॉलिसी के अंदर रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। ये सारे बिल जो है आपको कंपनी में भेजने पड़ेंगे और जो है ये आपके अकाउंट में पैसे वापस कर दिए जाएंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस की, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको मान लीजिए कोई ऐसी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है बीमारी, और आप चाहते हैं कि जी हमें मणिपाल सिन्हा के किसी भी पैनल के डॉक्टर से एक सेकेंड ओपिनियन लेना है, तो आप यहाँ पे वंस इन ए पॉलिसी ईयर वो भी ले सकते हैं। दोस्तों हेल्दी रिवार्ड की बात करते हैं यहाँ पे, जब भी आप यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट आपको मिलते हैं उसमें जो है वो 1% ऑफ पेड प्रीमियम का मिलता है, और ये मैक्सिमम जो है आपको 5% तक जाते हैं इंडिविजुअल पॉलिसी में और 20% तक एक्यूमुलेट होते हैं फ्लोटर पॉलिसी में। तो आप जब भी ये जो है रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, हेल्दी रिवार्ड्स एक इनका प्रोग्राम है, तो आपको जो है रिन्यूअल्स पे इसका बेनिफिट मिल जाता है। दोस्तों जोन बेस्ड प्राइसिंग की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इनकी प्राइसिंग है वो Zone 1, Zone 2 और Zone 3 में डिवाइडेड है। Zone 1 में जो आता है वो आता है मुंबई, थाने, नवी मुंबई, गुजरात और दिल्ली NCR। Zone 2 में आते हैं बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, चंडीगढ़, लुधियाना, कलकत्ता और पुणे। Zone 3 में सारे वो लोकेशंस आती हैं जो इन दो लोकेशंस के अंदर नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपने Zone 1 का प्रीमियम लिया है तो आपको कहीं भी कोई भी कोपेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मान लीजिए Zone 2 का प्रीमियम लिया है और आप Zone 1 में ट्रीटमेंट कराने आए हैं तो आपको 10% का बिल पे कोपेमेंट लगेगा। इसी तरीके से आपने Zone 3 का प्रीमियम दिया है और आप Zone 2 में इलाज कराने जाते हैं तो 10% का कोपेमेंट लगेगा, और आपने Zone 3 का प्रीमियम दिया है और आप Zone 1 में ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो आपको यहाँ पे 20% का कोपेमेंट लगेगा। तो दोस्तों आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपने कौन से जोन में रहते हैं, कौन से जोन का प्रीमियम पे किया है और आप कौन से जोन में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये कुछ ऑप्शनल कवर हैं दोस्तों, इनके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे, तो मैं बता देता हूँ आपके लिए वो क्या क्या कवर हैं। हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट की बात है दोस्तों, वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है और अवेलेबल भी है कि आपको 3,000 रुपये पर डे तक दिए जाएंगे 30 दिन तक के लिए मैक्सिमम। सपोज कीजिए आपकी 5 दिन की कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होती है और आपने ये ऑप्शन ऑप्ट किया हुआ है तो कंपनी आपको 15,000 यानी 5 दिन के हिसाब से 3,000 पर डे पे 15,000 रुपये बनते हैं, कंपनी आपको ये भी रिम्बर्समेंट कर देगी। डिडक्टेबल ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बेसिकली डिडक्टेबल होता क्या है कि आपने मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक एक्स अमाउंट का सम इंश्योर्ड लिया है उसमें डिडक्टेबल लगवा लेते हैं कि हम इतने बिल के बाद ही इस पॉलिसी को स्टार्ट कराना चाहते हैं,
अगर मान लीजिए 50,000 का डिडक्टेबल लिया, 1,00,000 का डिडक्टेबल लिया, तो वो पहले पैसे आपको अपनी पॉकेट से बियर करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद जो भी बिल आता है 50,000 या 1,00,000 के बाद वो कंपनी पे करना शुरू करती है। मतलब आपकी ये पॉलिसी जो है एक सुपर टॉपअप पॉलिसी की तरह भी काम करने लग जाती है, तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जो कि पहले के दो जो वेरिएंट है मैंने आपको बताए थे प्रोटेक्ट प्लस, वहाँ पे ये अवेलेबल है, इसमें ये अवेलेबल नहीं है। और वेवर ऑफ डिडक्टेबल की बात करें दोस्तों, तो जब वो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है तो यहाँ पे वो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। और वॉलंटरी कोपेमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो जो वॉलंटरी कोपेमेंट है वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मतलब ये होता है कि आप चाहते हैं कि जितना भी बिल आए उसका 10% 20% मैं अपनी पॉकेट से पे करूँ, इससे क्या होता है कि प्रीमियम आपका कम हो जाता है, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों अवेलेबल नहीं है। वेवर ऑफ मैंडेटरी कोपेमेंट, दोस्तों मैंडेटरी कोपेमेंट ये है कि जब भी आपकी उम्र इस प्लान के अंदर 65 साल से ऊपर की हो जाती है तो आपको 20% पैसा जो है अपनी पॉकेट से देना पड़ता है बिल में, लेकिन यहाँ पर उसका वेवर के लिए आप एक एड ऑन ले सकते हैं, ये एक ऑप्शनल कवर है। अगर आप मान लीजिए इसको लेंगे तो आपको 65 साल के बाद भी पूरा जो बिल है वो पे किया जाएगा। कम्युनिटी बोनस बूस्टर की बात करें दोस्तों, जो मैंने आपको पहले कहा था कि इस प्लान के अंदर मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप अपना जो है बोनस कैसे आगे और ले सकते हैं 25% तक, तो वो ऑप्शन यही है दोस्तों कि यहाँ पे आप जो है अगर ये वाला ऑप्शन आपने परचेस कर लिया तो आपको 25% हो जाएगा 10% की जगह, और ये जो है 200% तक मैक्सिमम जाएगा। यानी अगर आपने यहाँ पे 15,00,000 की पॉलिसी ली है तो उसका 25% जो है आपका हर साल इंक्रीज होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ एड ऑन कवर्स की। इसके लिए भी दोस्तों आपको जो है कुछ अलग से पैसे देने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने क्रिटिकल इलनेस लिया, तो क्रिटिकल इलनेस में क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों एक लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस की डिजीज़ है, उसके अंदर जो है आपको कोई सी भी डिजीज़ अगर डायग्नोस आती है तो ये पॉलिसी तो आपको इलाज का खर्चा देगी, साथ ही साथ ये एड ऑन कवर आपको लमसम उतना पैसा दे देगा। सपोज आपने 15,00,000 रुपए की पॉलिसी ली है तो 15,00,000 की पॉलिसी में आपको 15,00,000 रुपए कंपनी बैंक अकाउंट में दे देगी आपके, अगर वो बीमारी लिस्टेड डायग्नोस होती है तो। इसमें मोस्टली दोस्तों क्रिटिकल इलनेस ही होती है, तो ये राइडर थोड़ा सा कॉस्टली होता है क्योंकि यहाँ पे कंपनी को एक लमसम पैसा पे करना पड़ता है। दोस्तों अब बात करते हैं मणिपाल सिग्ना का हेल्थ 360 शील्ड के बारे में। तो दोस्तों क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई ऐसी कंडीशंस आ गई जहां पे आपको जो है डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको कोई मेडिकल इक्विपमेंट लेना है, जैसे कि आपको कोई मान लीजिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेना है, कोई बाईपैप मशीन लेनी है, तो कोई भी पॉलिसी दोस्तों मार्केट में ये जो मेडिकल इक्विपमेंट परचेज है इसकी कॉस्ट को बियर नहीं करती। बट अगर आपने ये वाला राइडर लिया है तो कंपनी यहाँ पे ऐसे इक्विपमेंट को भी जो है 1,00,000 रुपये तक कवर करती है। आपको जो है इसकी मैं डिटेल में जानकारी दूंगा, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा जिसमें ये जो है राइडर्स को अच्छी तरह से डिटेल में समझाया हुआ होगा। यहाँ पे बस आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये चीज़ भी यहाँ पे कवर हो सकती है। दूसरा आता है दोस्तों 360 एडवांस। यहाँ पर क्या है कि आपके प्लान में वैसे तो यहाँ पे सारी रूम कैटेगरी अवेलेबल हैं, तो आपको जो है यहाँ पे वो सारी रूम कैटेगरी भी अवेलेबल हो जाएंगी इस राइडर से। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन हो जाएगा, जो अभी आपका अनरिलेटेड इलनेस के साथ था वो यहाँ पे सेम पर्सन सेम इलनेस भी हो जाएगा। मतलब हर कंडीशन में ये आपका जो है वो रिस्टोर होता रहेगा अमाउंट। 15,00,000 की पॉलिसी लिया है तो 15,00,000 करके आप बहुत बार इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको एयर एम्बुलेंस का भी कवर दिया जाएगा जिसकी वैल्यू 10,00,000 रुपये तक की होगी। दोस्तों तीसरा जो इनका ओपीडी प्लान आता है 360 ओपीडी, इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको डॉक्टर कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक्स टेस्ट, मेडिकल मेडिसिन की जो कॉस्ट होगी वो भी यहाँ पे जो है आपको दी जाती है। यहाँ पे फार्मेसी की जो भी कॉस्ट होगी दोस्तों, जो भी आपने इसके अंदर भी अलग अलग वेरिएंट आते हैं वो मैं आपको उसी वीडियो में समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो फार्मेसी की कॉस्ट होगी दोस्तों यानी मेडिसिन की, वो 20% होंगी आपकी ओपीडी सम इंश्योर्ड की। यहाँ पे ओपीडी का जो सम इंश्योर्ड है दोस्तों 50,000 रुपये तक जाता है, तो अगर उसकी भी मैं एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे तो 50,000 का 20% यानी 10,000 रुपये तक आपको सिर्फ दवाइयों के लिए भी मिल सकते हैं। दोस्तों आप चाहते हैं कि हम इसका प्रीमियम कैलकुलेट करें तो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसका प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने लिए पॉलिसी बाय भी कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे से व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आपको एक प्रोडक्ट परचेज भी करना है तो आप इस व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके मुझसे ये परचेज भी कर सकते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्लान के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट भी इनबिल्ट है, जो कि बहुत ही अच्छा है और काफ़ी वाइड कवरेज के साथ है। तो मैं आपको ये डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा सा कि जो मैटरनिटी है उसके अंदर आपको नॉर्मल डिलीवरी में 50,000 रुपये मिलेंगे, और अगर आप सी सेक्शन में जाते हैं यानी ऑपरेशन होता है तो उस पर 1,00,000 रुपये आपको इस प्लान के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप मैक्सिमम 2 डिलीवरीज या 2 टर्मिनेशन तक जो है कवर कर सकते हैं। यहाँ पे 4 साल का दोस्तों वेटिंग पीरियड रहेगा, मतलब अगर आपने ये पॉलिसी आज परचेस करी है तो डिलीवरी का क्लेम जो है आप 4 साल के बाद कर पाएंगे। न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस की बात करते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो भी मैटरनिटी का अगर क्लेम आया है तो जिस बच्चे ने भी यहाँ पे जन्म लिया है उनके भी अगर यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि उनको अगर नर्सरी में रखा जाता है या आईसीयू में कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है या जर्नल भी कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है बच्चे को, तो उनके भी जो एक्सपेंसेस यहाँ पे कवर होंगे। लेकिन लिमिट वही रहेगी आपकी जो कि नॉर्मल डिलीवरी की 50,000 थी और सी सेक्शन की 1,00,000 थी, ये उसी के अंदर से जो है आपके बच्चे के लिए भी पैसे दिए जाएंगे। फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है कि जो भी पहले साल के वैक्सीनेशन होंगे, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है हमारा यानी जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है भारत सरकार का, तो उसके अनुसार जो भी टीके लगने चाहिए उसके सभी के यहाँ पे जो है पैसे दिए जाएंगे दोस्तों। और ये ओवर एंड अबव मैटरनिटी लिमिट है, मतलब जो 50,000 1,00,000 रुपये मिलने थे ये उसके अलावा आप जो है इन पैसों का रिइंबर्समेंट आप कंपनी से ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि 48 महीने का यानी 4 साल का यहाँ पे जो है एक वेटिंग पीरियड है, लेकिन दोस्तों एक ऑप्शनल बेनिफिट आप यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पैसे पे करेंगे तो आपका वो 48 महीने से घटा के 24 महीने कर दिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत लोग इसको एज ए मैटरनिटी प्लान की तरह भी ले सकते हैं, आपको थोड़ा सा ही प्रीमियम पे करना पड़ेगा और आप यहाँ पे जो है 1,00,000 रुपये के तक का कवरेज जो है ले सकते हैं सी सेक्शन में, जिसका वेटिंग पीरियड सिर्फ 24 महीने ही रहेगा। दोस्तों आप मेरे से जो है सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं, ये मेरे सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे लिख सकते हैं आप मुझे। ये दोस्तों मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं आपको कहूँगा कि आप इसमें ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इंश्योरेंस की जितनी भी अपडेट्स हैं लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल होती हैं, सभी कंपनी के ब्रोशर्स प्रोडक्ट के टर्म एंड कंडीशंस जो हैं आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री से अपडेट में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस प्लान के मेजर एक्सक्लूजन्स के बारे में, मतलब कि किन किन कंडीशंस के अंदर आपको इस प्लान के अंदर क्लेम नहीं मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, 4 साल का यहाँ पे वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का। आपने कोई भी बीमारी अगर डिक्लेयर की थी, मान लीजिए आपने कहा था कि मेरे को जो है कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मेरे को बीपी है, मेरे को शुगर है, मेरे को थायराइड है या और भी कोई प्रॉब्लम है, और आपको ये पॉलिसी कंपनी ने अंडरराइट करके दी है उस बीमारी के साथ, तो दोस्तों 4 साल के बाद वो यहाँ पे कवर होगी। 2 साल का दोस्तों एक जर्नल वेटिंग पीरियड है जो लगभग सभी पॉलिसीज में आपको मिलता है। ये स्लो ग्रोइंग डिजीज़ होती हैं दोस्तों, जैसे कि कैटरेक्ट हो गया, हर्निया हो गया, स्टोन्स हो गया, साइनस हो गया, पॉलिप्स हो गया, यूट्रस रिमूवल हो गया, कोई भी सिस्ट वगैरह की सर्जरी हो गई, तो ये बहुत सारी ऐसी कुछ बीमारियाँ हैं। टर्म एंड कंडीशंस आप पढ़ेंगे तो आपको इनकी लिस्ट मिल जाएगी पूरी, तो वो बीमारियाँ जो है 2 साल के बाद कवर होती हैं। दोस्तों 30 डेज़ का जो यहाँ पे वेटिंग पीरियड है वो किसी भी ट्रीटमेंट का है, मतलब कोई भी ट्रीटमेंट जो है आपको 30 दिन के बाद ही उसका कवर आप ले पाएंगे। एक्सेप्शनल है एक्सीडेंटल कवर, मतलब एक्सीडेंट अगर मान लीजिए 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद भी होता है पॉलिसी लेने के, तो आपको उसका कवर जो है दिया जाएगा। 20% का दोस्तों एक कोपेमेंट है अगर आपकी एज यहाँ पे 65 साल से ऊपर हो जाती है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक ऑप्शनल राइडर है, अगर आप वो ले लेंगे तो वो 65 साल के बाद जो 20% का कोपेमेंट है वो भी यहाँ पे वेव हो जाएगा। दोस्तों 90 डेज़ का वेटिंग पीरियड है यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस का कवर का, मतलब जो क्रिटिकल इलनेस का मैंने आपको कवर बताया था, अगर आप में उसमें लमसम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो एक्टिव जो है 90 डेज़ के बाद ही होगा, पहले 90 दिन आप उसके अंदर क्लेम नहीं कर पाएंगे। मैटरनिटी वेटिंग पीरियड है दोस्तों 48 महीने का, जो मैंने आपको बताया था अभी, उसको आप 24 महीने तक रिड्यूस कर सकते हैं कुछ एडिशनल अमाउंट देके। और आपको अगर इसके टर्म एंड कंडीशन और एक्सक्लूजन ज़्यादा ही डिटेल में जाके पढ़ने हैं तो आप इनके पॉलिसी वर्डिंग्स को पढ़ सकते हैं। पॉलिसी वर्डिंग्स आप मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, आप मुझसे जो है ग्रुप के अंदर जो मैंने आपको बताया था टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये प्लान के काफ़ी सारे फीचर्स अच्छे लगे होंगे और ये प्लान समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये प्लान समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मेरा नाम है दोस्तों सचिन वर्मा और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।